वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हमारे पास है ये होंडा का एक्स ब्लेड विच इज़ अ 160 सीसी मोटरसाइकिल एंड इट इज़ अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन टू TVS अपाची द 160, बजाज पल्सर NS, बजाज पल्सर NS 160 और यामाहा FZ वर्जन 3, सुजुकी जिक्सर, ये सब बाइक का ये डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो व्हाट वी हैव हियर, तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रंट में, जैसे इफ वी डायरेक्टली सी एट द फ्रंट, वी हैव एन LED सेटअप राइट है। तो इतने लो प्राइस में इसका ऑन रोड प्राइस 1,35,000 समवट लाइक दैट ही है। तो इतना कम दाम में भी होंडा ने हम लोग को LED प्रोवाइड किया है विद DRLs, डे टाइम रनिंग लैम्प्स, और यहाँ पे हम लोग को फ्रंट में हम लोग को डिस्क ब्रेक भी देखने को मिल जाता है। एंड यस, इट ऑल्सो हैज़ ABS राइट हियर, यू कैन सी इट हैज़ एन ABS राइट हियर। इट इज़ नॉट अ डुअल चैनल ABS, बट हाँ, ओनली फ्रंट में इसका ABS आता है, विच इज़ एनफ फॉर अ बाइक ऑफ दिस साइज। टॉकिंग अबाउट इट्स इंजन, इट इज़ अ 160 cc इंजन विच प्रोड्यूसेज 13.67 ब्रेक BHP ब्रेक हॉर्स पावर एट 8,000 RPM एंड 14.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉक एट 5,000 RPM। तो टॉक काफ़ी लो बैंड में ही आता है। सी दैट और फ्रंट में इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आता है। तो हालांकि स्मॉल कैपेसिटी इंजन होने के बावजूद भी इसका टॉर्क काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इंजन चलाने में कैसा है ये हम लोग चलाएंगे, तब मैं आपको बोलूँगा कि इसको चलाने में कैसा फील होता है। और इसका टैंक है 14 लीटर्स टैंक। इसका जो इंडिकेटर्स है वो रियर में LEDs नहीं आते, रियर में हैलोजन ही आता है, और जो फ्रंट है फ्रंट में भी हैलोजन ही आता है। वी डोंट गेट LEDs इन दिस प्राइस पॉइंट। इट इज़ अ BS6 इंजन और हम लोग को इसमें फ्यूल इंजेक्शन भी देखने को मिलता है। सो एनफ ऑफ टॉकिंग, नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ टू राइड। तो मैं एक पिलियन के साथ बैठ के चलाने वाला हूँ, ये मेरा दोस्त आदर्श जो पिलियन बन के बैठेगा। सो एनफ ऑफ टॉकिंग, नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ टू राइड। सो द इनिशियल पंच, इसका इनिशियल टॉर्क तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 160 cc इंजन होने के बावजूद भी इसका पुल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और होंडाज हैव ऑलवेज बीन अ रिफाइंड इंजन, इसका रिफाइनमेंट होंडा का हमेशा अच्छा ही होता है। वी नो नीड टू टॉक अबाउट रिफाइनमेंट इन होंडा। इसमें वी गेट गियर पोजिशन इंडिकेटर ऑल्सो, यहाँ पे हम लोग का फ्यूल इंडिकेटर भी दिखा देता है, टाइम भी दिखा देता है, और RPM मीटर भी हम लोग को आ देता है। अब जैसे अभी फोर्थ गियर में, इवन इन 30 km/h, इवन इफ आई एक्सिलरेट नाउ, इट हैज़ एम्पल अमाउंट ऑफ टॉर्क दैट इट इज़ पुलिंग राइट नाउ ऑल्सो। It is pulling right now. It is not knocking down. That is the quality and the pleasure of riding an Honda engine. जो KTMs में नहीं आता है, जो मेरा KTM इंजन है उसमें इट रिक्वायर्स करंट गियर चेंज। सो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा टॉर्की इंजन होने का फ़ायदा यही है कि यू डोंट रिक्वायर मच गियर चेंज। और इट इज़ राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यू सिट क्वाइट लो डाउन हेयर एंड योर स्टांस इज ऑल्सो क्वाइट गुड। हैंडल बार उतना वाइड नहीं है लेकिन इतना अच्छा है कि इट गिव्स यू अ गुड हैंडल फॉर्म हैंडलिंग सपोर्ट। सो द प्राइस पॉइंट एट विच इट कम्स, इट इज़ जस्ट वैल्यू फॉर मनी। 1,35,000 ऑन रोड आई गेस, 1,35,000 में इट इज़ अ वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल। इट इज़ अ स्पोर्ट्स कम्यूटर, हम लोग इसको डे टू डे कम्यूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका माइलेज, द कंपनी क्लेम्स दैट इट हैज़ 50 km/h माइलेज, बट इन द रियल वर्ल्ड 40 के आसपास तो ये ऑब्वियसली दे ही देगा। सिटी में कम, लॉन्ग राइड्स पे 40 में तो ये दे ही देगा आपको। सो नाइस टॉक, सो प्लेजरेबल, मतलब यू गेट द फील ऑफ राइडिंग फोर्थ गियर में भी ऑल्सो। और ये रहा भाई मेरा बाइक चलाते हुए। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकिंग। इट गेट्स निपिन कैलिपर्स, निपिन का ब्रेकिंग सिस्टम है। नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ टू ब्रेक। ब्रेकिंग का बाइट बहुत ज़्यादा है। एंड फ्रंट यू गेट ABS, और ABS बीच बीच में इंट्रीग नहीं करता, इट डजेंट कम इन बिटवीन योर ब्रेकिंग। जहाँ पे ABS लगना होता है वहीं पे आ रहा है। इट्स नॉट डिस्टर्बिंग, इट्स नॉट रूइनिंग योर प्लेजर टू राइड। कंसिडरिंग द कॉम्पिटिशन, जिक्सर आ जाता है, अपाची आ जाता है, दे आर ऑल जापानीज ब्रांड्स, एंड जापानीज ब्रांड्स में यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस ऑफ इट्स रिलायबिलिटी एंड रिफाइनमेंट। जैसे कि होंडा, सुजुकी, यामाहा, ये सब बाइक का रिलायबिलिटी का कोई इशू होता ही नहीं। और मैं इसको अकेले नहीं चला रहा हूँ, मैं पिलियन के साथ, जैसा मैंने कहा, मैं पिलियन के साथ चला रहा हूँ, एंड स्टिल हैंडलिंग इट्स क्वाइट कम्फर्टेबल। हैंडलिंग में बहुत अच्छा है ये।
एंड इट्स सस्पेंशंस आर ऑन द सॉफ्टर साइड. इट इज़ नॉट एज हार्ड एज माई KTM 250 एडवेंचर, बट इट इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड. एंड विद दिस स्मॉल कम्यूटर बाइक्स विद स्क्वायर इंजिन, इसमें स्क्वायर इंजिन होता है. इसका कॉम्पिटिशन द अपाची 160, इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड बाइक. सो ये सब बाइक में यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट माइलेज. इट गिव्स अ वेरी गुड माइलेज इवन इन 50 किलोमीटर्स आवर. इन 5 गियर इट इज पुलिंग सो नाइसली एंड इट्स मिरर्स ऑल्सो ऑफर अ गुड रेयर व्यू. इट इज़ सो एजाइल एंड निम्बल कि आप ट्रैफिक में भी इसको आराम से चला सकते हैं. आप ट्रैफिक में कॉर्नर ट्रैफिक में जाने के लिए गाड़ी वाड़ी के बीच में जाने के लिए यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ नॉट दैट बल्की बाइक है. काफ़ी शॉर्ट और कॉम्पैक्ट बाइक है विथ एम्पल अमाउंट ऑफ इंजन प्लेजर, एम्पल अमाउंट ऑफ पावर एंड टॉर्क अवेलेबल. इट इज़ सो रिफाइंड. होंडाज हैव प्रूवन इट्स रिलायबिलिटी एंड रिफाइनमेंट टाइम एंड टाइम अगेन. So yes guys, that's it with this Honda X-Blade. If you like the video, do press the like button, comment, subscribe. और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप ज़रूर comment करिएगा. And हाँ, अगर मैंने कुछ miss किया हो तो आप ज़रूर बताइए कि मैंने क्या miss किया है. Till then, take care, bye bye. I'll see you in the next vlog real soon. Bye bye.